Hey guys, welcome back my YouTube channel. Guys, आज के इस वीडियो में मेरे पास में है ये Defy ब्रांड की तरफ से आने वाला एक बजट प्राइस वाला नेक बैंड जिसका नाम है Defy Fusion X Pro, जिसका जो प्राइस है वो है ओनली 4799 यानी कि ओनली 4800 रुपए। 800 रुपए में भाई इसमें जो फीचर्स मिलते हैं ना काफी नेक्स्ट लेवल के हैं। इसमें आपको गेमिंग मोड भी मिलता है, इसमें आपको ENC का सपोर्ट मिलता है, 16 घंटे का बैकअप एंड गजब की साउंड क्वालिटी। इस वीडियो में इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, छोटी सी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद में डिटेल में बात करूंगा कि आखिर ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, बैटरी बैकअप कैसा है, गेमिंग मोड किस तरीके से वर्क करता है, ENC किस तरीके से वर्क करती है, सभी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस आप इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें आपको इस नेकबैंड से रिलेटेड मिल जाएगी और इस वीडियो के एंड में आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी अनबॉक्सिंग गाइस, यहां पर सामने ही आपको Defy का ब्रांडिंग मिल जाएगा, जो नेकबैंड है वो आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। Fusion X Pro यहां पर क्योंकि मॉडल नेम है Fusion X Pro, वो यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है भाई। फीचर्स की अगर बात करता हूं तो टर्बो मोड यानी कि यहां पर आपको लो लेटेंसी मिल जाती है जो कि आपको 60 ms की मिलती है, उसी के साथ में 16 घंटे का बैकअप, उसी के साथ में 10 मिनट चार्ज करने पर 8 घंटे का बैकअप, और उसी के साथ में ENC का भी सपोर्ट मिल जाता है, IPX5 वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.2 का आपको सपोर्ट मिल जाता है। बाकी अदर इस पे कुछ नहीं है। बात कर लेते हैं बॉक्स के अंदर की कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो भाई इसको खोल लेते हैं। भाई पैकेजिंग काफ़ी अच्छी दी गई है, जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ गाइस ऐसी पैकेजिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी पैकेजिंग यहाँ पर दी गई है। और गाइस एक छोटा सा एक बॉक्स टाइप हमको देखने मिलता है, एक थैली देखने के लिए मिलती है जो कि आप कुछ भी बोल सकते हो भाई। इसको मैं निकाल लेता हूँ और देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो भाई यहाँ पर आपको एक तो मिल जाएगा इसकी मैनुअल, जिसको इसको कैसे यूज़ करना है वो लिखा गया है, एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा, उसके साथ में ईयर टिप्स फ्री आपको मिल जाएंगे। ईयर टिप्स है जो कि आप अपने कानों के अकॉर्डिंग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और उसी के साथ में भाई 800 रुपए की प्राइस में आपको यहां पर टाइप सी पोर्ट मिलता है, यानी कि ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसको और कुछ भी नहीं है, इसको रखते हैं साइड में, मेन निकालते हैं अपने इस नेकबैंड को, देखते हैं कि नेकबैंड की क्वालिटी हमको कैसी देखने के लिए मिलती है। भाई हाथ में लेते ही 800 रुपए वाली फीलिंग तो नहीं आई, काफ़ी अच्छी फीलिंग दी गई है और काफ़ी अच्छा लाइट वेट यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी अच्छा नेकबैंड है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई आपको कौन से कलर में अनबॉक्सिंग देखनी है, तो आपने बोला था भाई ब्लू कलर में देखनी है, तो मैंने इसको ब्लू कलर में ही मंगवाया है। भाई देखो ब्लू कलर तो कंप्लीटली ब्लू कलर तो नहीं है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा ब्लैक ऊपर की तरफ दिया गया है और यहाँ पर जो बटन्स वगैरह है वो आपको ब्लू कलर के देखने के लिए मिल जाएंगे। सॉरी मैं इधर से दिखा दिया, ब्लू कलर के आपको बटन मिल जाएंगे और यहाँ पर जो वायर है पूरा ब्लू आपको मिलेगा, यानी कि ब्लू एंड ब्लैक के शेडो में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसकी हम क्वालिटी की एंड बिल्ड क्वालिटी की, बिल्ड क्वालिटी कैसी दी गई है। भाई जो नेक है ना बिल्कुल नॉर्मल सा नेक यहाँ पर मिल जाता है, मैं कोई ज़्यादा हैवी क्वालिटी वाला नेक इसको नहीं बोलूँगा, बिल्कुल एक नॉर्मल सा नेक आपको मिल जाता है, जिसमें कि मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज़ किया गया है, बिल्कुल नॉर्मल सा आपको नेक मिल जाता है। और यहाँ पर ग्लोसी फिनिश के अंदर साइड में आपको देखने मिल जाता है, यहाँ पर जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं जहाँ पर बटन्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल रहे हैं और यहाँ पर Defy का ब्रांडिंग आपको मिल रहा है, तो साइड में इस तरफ तो आपको ग्लोसी फिनिश मिल रहा है, पीछे की तरफ आपको मेट फिनिश यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी अच्छा टेक्सचर यहां पर दिया गया है, एक तरफ काफी बिजी साइड आपको मिलती है जिसमें कि आपको 3 बटन्स मिलते हैं, चार्जिंग पोर्ट आपको मिलता है, और इस तरफ आपको कुछ भी नहीं, ओनली फॉर Defy का ब्रांडिंग ही देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंड गाइस मैं बात कर लेता हूं यहां पर केबल की, यानी कि जो वायर है इसका, तो वायर भाई काफी अच्छा दिया गया है, काफी मोटा वायर दिया गया है, कोई भी ब्रेक होने के चांसेस नहीं होंगे, काफी अच्छी क्वालिटी वाला वायर यहां पर यूज किया गया है। देन सेकंड गाइस बात कर लेता हूं बर्ड्स की, तो गाइस बर्ड्स आप देख पा रहे हैं काफी अट्रैक्टिव लुक वाला यहां पर आपको बर्ड्स मिल जाता है, और भाई 800 की प्राइस में आपको जो बर्ड्स मिलते हैं ना वो पूरा मैग्नेटिक यहां पर मिलता है, और मैग्नेटिक के साथ में यहां पर मेटलिक देखने को मिलते हैं, प्लास्टिक के नहीं है भाई, मेटलिक मिलते हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि भाई यहां पर ऑन ऑफ कनेक्शन आपको मिल जाता है, यानी कि अगर आप इसको खोलते हैं तो आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा, अगर आप इसको वापस से ऐसे कर देते हैं तो आपके फोन से डिसकनेक्ट हो जाएगा। 3 अच्छी बातें यहां पर मिल जाती है कि यहां पर सबसे पहले तो मेटलिक मिल जाता है, देन सेकंड यहां पर आपको मैग्नेटिक मिल जाता है, थर्ड आपको यहाँ पर ऑन ऑफ सिस्टम भी मिल जाता है, ये चीज़ इसमें काफ़ी अच्छे मिल जाती है। और आप देख पाएंगे कि ऊपर की तरफ ईयरफोन्स भी आपको देखने मिल जाते हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, ईयर टिप्स वगैरह काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइस जो ओवरऑल इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है, मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा और ज़्यादा पुअर क्वालिटी वाला भी नहीं बोलूँगा, जो प्राइस है उसके हिसाब से अच्छा खासा क्वालिटी आपको देखने के लिए मिल जाती है। देन गाइस बात करता हूँ अब साउंड सेक्शन की, भाई साउंड कैसा है, ड्राइवर साइज क्या है, तो सबसे पहले ड्राइवर साइज की बात कर लेते हैं, ओनली 10 mm के आपको ड्राइवर्स मिलते हैं। भाई फिटिंग
वगैरह काफी जबरदस्त इसकी दी गई है, मैं इसको पहन के भी आपको दिखा देता हूँ। फिटिंग वगैरह काफी बढ़िया दी गई है, अगर आप इसको जिम वगैरह के लिए भी यूज करोगे ना कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी, आप आराम से इसको कनेक्ट करके अपने फोन से रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं होंगे कि आपके कानों से ये निकल जाए, कोई भी ऐसा चांस नहीं बनेगा, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। रनिंग के लिए में भी काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ सपोर्ट मिल जाता है जिससे कि आपके कानों में अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं। 10 mm के टावर्स है, क्वालिटी जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी मिल जाती है, मैं ज़्यादा हैवी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा लो नहीं बोलूँगा, एकदम मीडियम सी बैलेंस साउंड आपको मिल जाता है। जो प्राइस है उसके हिसाब से जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप यार सोच रहे हैं कि एक ऐसा नेकबैंड है जो कि उसमें सभी फीचर मिल जाए, एक सस्ते क्वालिटी वाला मिल जाए, तो वन ऑफ द बेस्ट नेकबैंड है भाई जो 1000 रुपये के अंदर आपको मिल रहा है। साउंड क्वालिटी डिसेंट है भाई, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाती है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, काफ़ी लाउड बेस है, एकदम बैलेंस साउंड आपको मिलेगा जिसमें कि आपको साउंड भी अच्छा मिलेगा, बेस भी अच्छा मिलेगा, वोकल स्टेबल सभी चीजें आपको सप्रेस मिलेगी, एकदम अच्छा खासा मिनिमम सा साउंड आपको देखने के लिए मिल जाता है। प्राइस के हिसाब से जस्टिस है भाई, काफी अच्छा साउंड यहां पर आपको देखने मिल जाता है। और उसी के साथ में गाइस यहां पर आपको ENC का सपोर्ट मिलता है, एनवायरनमेंट नॉइज कैंसलेशन, जिससे कि क्या है कि जब भी आप कॉलिंग में बात करोगे कोई भी इशू नहीं आएगा, आप आराम से इस पे बात कर सकते हैं। मैंने कॉल पे इससे बात किया था क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास में कल ही आ गया था, टेस्टिंग चल रही थी, आज मैं वीडियो बना रहा हूं। कॉलिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है भाई, कॉलिंग आप आराम से इसमें कर सकते हो, और TWS से भी बेस्ट कॉलिंग आपको इसमें हो जाती है क्योंकि इसका जो माइक होता है वो आपके मुंह के पास में ही होता है, तो अच्छा खासा क्वालिटी आपको मिल जाता है। और ENC का सपोर्ट है तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको मिल जाएगी। एक बार मैं आपको पास में एक माइक टेस्ट भी दे देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका जो माइक क्वालिटी है आखिर वो कैसी है, तो आप इंजॉय कीजिए इसकी माइक क्वालिटी। गाइस अभी आप जो ये वॉइस सुन रहे हो वो सुन रहे हो Defy Fusion X Pro से। गाइस मेरा रूम का फैन अभी ऑन है तो आपको यहीं से आइडिया हो रहा होगा कि ये कितना नॉइस को कैंसिल आउट कर पा रहा है। तो गाइस आपने इसकी माइक क्वालिटी देखी, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, मुझे तो काफी अच्छी लगी भाई क्योंकि मैंने इस पे कॉल भी किया था और काफी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके गेमिंग मोड की। भाई यहां पर आपको 60 ms की लो लेटेंसी मिलती है जिसको बोलता है Defy टर्बो मोड, 60 ms की लेटेंसी मिलती है, अच्छा खासा गेमिंग आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से बोलूंगा भाई, अगर आप प्रो लेवल की गेमिंग करते हो, एक नेक्स्ट लेवल की गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तब आप इसकी तरफ मत जाइए, अगर आप दिन में 2-4 घंटे गेमिंग करते हैं तब आपके लिए बेस्ट है, आप नॉर्मल सी गेमिंग इसमें अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। अब गेमिंग मोड आपको कैसे ओपन करना है वो सब कुछ मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। बात करें अगर कनेक्टिविटी की तो यहां पर आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है, साथ में 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिल जाती है। भाई कनेक्टिंग स्पीड इसमें काफी अच्छी आपको मिलेगी, 5.2 मिल रहा है तो काफी फास्ट भी आपको मिलेगी। देन सेकंड गाइस बात करता हूं इसके कंट्रोलर की, यहां पर आपको कितने बटन मिलते हैं और फिर इनका यूजर्स बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। भाई देखो यहां पर आपको 3 बटन मिलते हैं जिसमें कि आप देख पा रहे हैं, 3 बटन है जिसमें कि एक प्ले पॉज बटन आपको मिलेगा, 2 वॉल्यूम अप डाउन के लिए आपको बटन मिलेंगे, जस्ट उसके नीचे एक LED लाइट आपको मिलेगी, और इस तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट आपको मिलेगा Type-C वाला जिसके ऊपर आपको कवर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी चीज है भाई, डस्ट वगैरह से बचाएगा, काफी अच्छा है, डस्ट वगैरह इसमें नहीं जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डस्ट वगैरह की कोई इशू नहीं होगा। जस्ट उसके पीछे सबसे पीछे इसमें आपको मिल जाता है एक छोटा सा माइक्रोफोन जिससे कि जब भी आप इसमें कॉल पे बात करोगे तो सामने वाले बंदे को जो आवाज जाएगा वो इसी से जाने वाला है। देन अब मैं आपको बता देता हूं कि इस तरफ क्या है, इस तरफ कुछ भी नहीं है भाई, ओनली फॉर इसका बैटरी सेक्शन है, तो यहां पर आपको ओनली फॉर Defy का ब्रांडिंग ही देखने को मिलेगा। कंट्रोलर की बात कर लेते हैं कि किस किस तरीके से वर्क करेगा। गाइस ऑन ऑफ करने के बाद में आपको अगर आप इस पर डबल टेप करते हैं तो लास्ट जिसको आपने कॉल किया होगा उसके पास में कॉल चला जाएगा। अगर आप इसमें टर्बो मोड यानी कि गेमिंग मोड ऑन करना चाहते हैं तो जो प्ले पॉज बटन है उसको आपको 3 बार प्रेस करना है, सीधा आप गेमिंग मोड में पहुंच जाओगे, वापस से वही प्रेस करोगे तो आप वापस से नॉर्मल मोड में आ जाओगे। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो गूगल असिस्टेंट वगैरह आप इसमें यूज कर सकते हैं भाई। और इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है, बाकी सब कुछ अच्छा मिल जाता है। देन यहां पर सेकंड बात करता हूं प्रोटेक्शन की, तो गाइस IPX5 का वाटरप्रूफ रेजिस्टेंस मिल जाता है, काफी अच्छा प्रोटेक्शन मिल जाता है भाई, प्राइस को देखते हुए काफी अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिलता है। जिम वगैरह के लिए, रनिंग वगैरह के लिए आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी इश्यू इसमें नहीं होगा। देन सेकंड अब आती है बात मेन बैटरी बैकअप की। भाई देखो 16 घंटे का बैटरी बैकअप आपको ब्रांड की तरफ से मिलता है जो कि आपको कभी भी नहीं मिलेगा, वो डिपेंड करेगा आपके यूजर्स पर कि आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं। मेरे केस में मैंने इसको यूज किया था एक दिन लगभग, मेरे केस में इसका जो बैटरी बैकअप है वो 12 से लेकर 13 घंटे का समथिंग है, डिपेंड यूजर्स, क्योंकि गेम खेलने में कॉलिंग में बात करने में काफी फर्क होता है और उस हिसाब से बैटरी बैकअप ड्रेन होता है। तो 12 घंटे के समथिंग मुझे बैटरी बैकअप मिल गया था जो कि मेरे हिसाब से ठीक है यार, 800 रुपए की प्राइस में इतने सारे फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो फीचर्स प्रोवाइड करवा रहा है ना वो 1500-2000 के नेकबैंड में आपको मिलता है, जो कि आपको ओनली फॉर 800 रुपये में ही मिल रहा है। तो इतना बहुत तो आपको थोड़ा बहुत वो करना ही पड़ेगा यार, 800 रुपये में तो सब चीज़ें इसमें आपको अच्छी मिल जाती है। मेरे हिसाब से
आपको अगर इसके तरफ जाना है तो डेफिनेटली जाना चाहिए भाई, क्योंकि इतने सस्ते में इतने ज़्यादा फीचर्स कोई सा भी ब्रांड नहीं देता है। मतलब फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, 10 मिनट चार्ज करने पर 8 घंटे का बैकअप भी आपको देगा, टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, तो सारी चीज़ें में भी इसमें आपको मिल जाती है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरी तरफ से भाई फुली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, आप इसके तरफ जा सकते हैं भाई। डिफाई मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट ब्रांड बन चुका है, क्योंकि सस्ते में इतने गजब के प्रोडक्ट लाता है ना भाई, दिल खुश कर देता है। अब ऐसा नहीं है भाई कि सस्ते ला रहा है तो काफ़ी अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है भाई, सस्ते हैं उसी के साथ में फीचर्स जो क्वालिटी दे रहे हैं ना भाई, वो कितनी गजब की है, आप ये चीज़ देखिए, क्वालिटी इसमें काफ़ी गजब की आपको मिल जाती है। मेरी तरफ से भाई अभी जाओ, टूट पड़ो और खरीद लो भाई। उसके बाद में इसका जो प्राइस है ना वो ज़्यादा हो सकता है, तो जबकि कम प्राइस है तब तक आप इसको खरीद लीजिए, बाद में देखते हैं कि क्या होने वाला है। अगर इसके साथ में किसी का कंपेरिजन वीडियो देखना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर साफ बताना। ये गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल की घंटी प्रेस करना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।